मित्रों नमस्कार। आज आपके लिए कहानी लेकर के आया हूँ कि सबसे धनवान व्यक्ति कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से सबसे अधिक धनवान व्यक्ति कौन सा होता है। तो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स से किसी ने पूछा, क्या इस धरती पर आपसे भी अमीर कोई है? बिल गेट्स ने जवाब दिया, हाँ एक व्यक्ति इस दुनिया में मुझसे भी अमीर है। उस आदमी ने पूछा, कौन? बिल गेट्स ने बताया, एक समय वो था जब मेरी प्रसिद्धि और अमीरी के दिन नहीं थे। मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर था, वहाँ सुबह सुबह अखबार देखकर मैंने एक अखबार खरीदना चाहा, पर मेरे पास खुदरा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अखबार लेने का विचार त्याग कर उसे वापस रख दिया। अखबार बेचने वाले लड़के ने मुझे देखा तो मैंने खुदरा पैसे सिक्के ना होने की बात कही। लड़के ने अखबार देते हुए कहा, यह अखबार मैं आपको मुफ्त में देता हूँ। बात आई गई हो गई। कोई 3 माह बाद संयोग बस उसी एयरपोर्ट पर मैं फिर उतरा और अखबार के लिए फिर मेरे पास सिक्के नहीं थे। उस लड़के ने मुझे फिर से अखबार दिया तो मैंने मना कर दिया, मैं ये अखबार नहीं ले सकता। उस लड़के ने कहा, आप इसे ले सकते हैं, मैं इसे अपने प्रॉफिट के हिस्से से दे रहा हूँ, मुझे नुकसान नहीं होगा। मैंने अखबार ले लिया। 19 साल बाद अपने प्रसिद्ध हो जाने के बाद एक दिन मुझे उस लड़के की याद आई और कोई 1.5 महीने खोजने के बाद आखिरकार वह लड़का मिल ही गया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लड़का बोला, हाँ आप मिस्टर बिल गेट्स हैं। गेट्स ने कहा, तुम्हें याद है कभी तुमने मुझे फ्री में अखबार दिया था? लड़का बोला, जी हाँ बिल्कुल, ऐसा 2 बार हुआ था। गेट्स ने कहा, मैं तुम्हारे उस किए हुए की कीमत अदा करना चाहता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। लड़का बोला, सर लेकिन आप क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके आप मेरे काम की कीमत अदा नहीं कर पाएंगे? गेट्स ने कहा, क्यों? लड़का बोला, मैंने जब आपकी मदद की थी, मैं एक गरीब लड़का था जो अखबार बेचता था। आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब आप इस दुनिया के सबसे अमीर और सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, फिर आप मेरी मदद की बराबरी कैसे करेंगे? बिल गेट्स की नज़र में वह व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भी अमीर था, क्योंकि किसी की मदद करने के लिए उसने अमीर होने का इंतज़ार नहीं किया था। अमीरी पैसे से नहीं दिल से होती है। दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए अमीर दिल का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले दिन किसी नई कहानी के साथ, किसी इंटरव्यू के साथ, किसी गाने के साथ। तब तक के लिए राम नारायण शर्मा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।